प्रिय बच्चों हाय बच्चो हाई दिसक मास्टर इज एवरीवन डूइंग सब बढ़िया बच्चों तो आई थॉट कि यार एग्जाम का माहौल है तो एक गाने से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय दैट सॉन्ग आई ऑलवेज डू डूनवर आई इन स्ट्रेस और टेंशन काम का पढ़ाई का जो भी है ना पढ़ाई का तो माहौल रहा नहीं लेकिन आप लोग के लिए अच्छा I hope all of you guys enjoyed that starting, so my dear friends welcome back to the one shot series and today we have the final one shot video for your guys for CBC 10 standard and that chapter is sources of energy in just one shot, to hey so, guys I believe ki you all have seen the previous one shot videos, it was amazing, you guys gave us a very good very amazing response uh, for that. बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच फॉर दैट थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दोस वीडियोस थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोस वीडियोस कमेंटिंग ऑन दोस वीडियोस टू दोडियो चैनल थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट तो वन शॉट का ये आखिरी वीडियो होगा फॉर ऑफ एनर्जी तो एवरी टाइम आई स्टार्ट दिस सेशन आई डिस्कस अबाउट दिस वंस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वंस वी स्टार्टेड वन शॉट सीरीज वी स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट 1 आवर 40 मिनट्स टू कंप्लीट द एंटायर चैप्टर तो लगा कि बहुत ज्यादा ही लंबा हो रहा है तो हमने फिर सेकंड सेशन किया सेकंड सेशन किया वन शॉट इन लाइट वन शॉट फॉर लाइट चैप्टर वी फिनिश इन वन आर एंड थर्टी मिनट्स और ट्वेंटी वी वेंट ऑन फॉरवर्ड फॉर मैग्नेटिक्स तो मचा दिया हमने वन आर टेन मिनट्स चैप्टर खत्म पूरा उसके बाद वी वेंट ऑन फॉर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ह्यूमन आई एंड वी डिड इट इन वन आवर एंड इन ह्यूमन आई चैप्टर वी मेड अ प्रॉमिस की वन वी स्टार्ट ऑफ एनर्जी वन शॉर्ट वील बी डूइंग इट अंडर फिफ्टी मिनट्स

उसके बाद आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल जिसमें सबसे पहले आती है फॉसिल फ्यूल्स उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस फॉसिल फ्यूल का यूटिलाइजेशन होता है थर्मल पावर प्लांट से फिर हाइड्रो पावर प्लांट आता है इन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस उसके बाद आती है आपकी इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजीज फॉर द कन्वेंशनल सोर्सेस जिसमें आता है आपका बायोमास चारकोल बायोगैस प्लांट विंड फार्म हो गया कन्वेंसर्स ऑफ एनर्जी जिसमें आती है सोलर एनर्जी सबसे पहले देन एनर्जी फ्राम दी सी जिसमें है टाइडल एनर्जी वेव एनर्जी देन वी मूव ऑन टू ओशियन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट वन ऑफ द इंपोर्टेंट थिंग्स उसके बाद हम चलते हैं टू दॉपिक कॉल्ड एज कुछ है वो जियो थर्मल पावर प्लांट हो गया ना हाँ जियो थर्मल पावर प्लांट उसके एंड में आती है न्यूक्लियर एनर्जी कराइट तो दिसो नाउ लेट्स गो स्टेप बाई स्टेप ठीक है तो बच्चों ये सेशन होने वाला है काफी लंबा मे बी वन आर मैक्स टू मैक्स टॉप्स लेकिन इट वुड बी अमेजिंग दिस इज दी वन शॉर्ट वीडियो विच यू गैस वे लुकिंग फॉरवर्ड टू सबसे पहले टॉपिक की वॉट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे पहले क्या चाहिए हमें एक अच्छा एनर्जी सोर्स हमें चाहिए कि होना चाहिए चीप भाई हम आम आम आदम हम आम आदमी है आम आम कर रहा हूं ओके हम आम आदमी है है ना वी आर पुअर पीपल बेसिकली सो वी नीड वी नीड टू हैव चीप एनर्जी सोर्स इज इन मैं सबसे ज्यादा पुअर हूं आप लोग से पता है ना आपको हा देन वी नीड टू हैव सेफ हैंडलिंग एंड यूसेज ऐसा नहीं होना चाहिए हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी दी 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 बेसिकली ह्यूमन लाइफ इज इन डेंजर फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर एनर्जी करेक्ट न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली डेंजरस व्हेन इट कम्स टू ऑक्युपेशनल हजार्स काम करने वाले लोग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रीकॉशन लेना पड़ता है तो इन दैट पर्टिकुलर सेंस एनर्जी शुड बी सेफ इन हैंडलिंग एंड यूसेज then uh, comes down to do not cause any kind of pollution it could be air pollution it could be uh, you know land pollution sea pollution water pollution so it should not cause any sort of pollution but obviously the power plants the obviously the energies which we are using right now causes a lot of those kind of problems here we'll discuss that in detail and finally it should be easy to store

Job. Now, I'll not go with the wood So, which gives him more energy per kg is nothing but the higher calorific value. What is high calorific value? The amount of energy produced or obtained per kg or per volume.

Now itself the petrol's uh, price, if I'm not wrong, in Bangalore, from where I fill up petrol is 74 rupees. समझ रहे हो? एक लीटर पेट्रोल का दाम 74 रुपीस है। जब आप लोग बड़े हो जाओगे, गाड़ी चलाना स्टार्ट करोगे, तब तो सौ रुपए क्रॉस कर चुका होगा। <laughs> क्या करोगे? <laughs> then is it it is definitely it should be easy to handle and safe, and then obviously it should be easy to store and it should be easy to use as well, है na So these are the good features of.

ऑप्शन ए इज इजी एक्सेसिबल ऑप्शन बी डस लेस अमाउंट ऑफ वर्क इन गिवन वॉल्यूम दैट इज दैसर यू नो कैलोरफिक वैल्यू कैलोरफिक वैल्यू है इसका कम होना चाहिए इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकल सो विच व्यू थिंक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आल गिव यू एक्सैक्टली टेन सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन फाइव चार्टाना चाहिए आंसर से फोर थ्री टू

एक बात आप दोता ना, गया मैं। ये जो दो टॉपिक्स दो पड़े अभी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सीबीएसई टेन बोर्ड में आते हैं एमसीक्यू no so दे दिया जाएगा जैसे अभी मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन था ऐसे मैंने एमसीक्यू दे दिया आपको सीबीसी टेन बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम कैरेक्टिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल एंड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी अरवाइज दिस क्वेश्चन कोड कम एज ए मार्क्स क्वेश्चन का भाग जिसमें ए पार्ट होगा ये दो मार्क्स का लिखना होगा आपको और बी पार्ट होगा कोई एक मार्क का दूसरा कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है ठीक है सो बी प्रिपेयर फॉर दिस मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू दार्ट दैट इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी देर आर टू सोर्सेस एवरी वन ऑफ अस नोस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल ठीक है तो कन्वेंशनल सोर्स पहले पढ़ेंगे फिर नॉन कन्वेंशनल पढ़ेंगे पहले कन्वेंशनल पढ़ते हैं ठीक है ठेके? पहले कन्वेंशनल सोर्स पढ़ते हैं क्या क्या है सोर्स तो भाई एक ही है फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके वी यू नो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स हाइड्रो पावर प्लांट्स को हम कन्वेंशन uh, सोर्स कहते हैं क्योंकि इट इज बीन देर फ्रॉम मोर देन ए डिकेड तो जो uh, जो सोर्स ऑफ एनर्जी आर देयर फ्रॉम मोर देन ए डिकेड वो कन्वेंशनल माना जाता है देन यू आल्सो हैव न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी को भी एक डिकेड से हम फॉलो करते जा रहे हैं वरना आप लोग लगता होगा सर ये कन्वेंशनल सोर्सेस में न्यूक्लियर एनर्जी कहां से आ गया न्यूक्लियर एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स का उतना ही अच्छा भाग है जितना नॉन कन्वेंशनल का भी है ठीक है नॉन कन्वेंशनल का भी उतना ही अच्छा भाग है न्यूक्लियर एनर्जी अभी मैंने ना एक बहुत बार बच्चों से आप लोगों से एक डाउट सुना है सर हाउ कैन न्यूक्लियर एनर्जी भी लाइक हाउ कैन हाइड्रो पावर प्लांट्स भी इन कन्वेंशनल सोर्सेज बिकॉज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड वॉटर इज रिन्यूएबल रेन कीप्स ऑन पोरिंग ऑन अस है ना प्लीज अंडरस्टैंड नॉट नेसेसरी कन्वेंशन सोर्सेज वुड बी नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वह पहले से चला आ रहा है परंपरागत तरीके से वो आती जा रही है इट्स ट्रेडिशन इट्स ट्रेडिशनल समझ में बात सो इट्स बीन हैपनिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम वी हैव बीन ऑप्टेनिंग एनर्जी फ्राम दीज थिंग्स फ्रॉम रियली लॉन्ग टाइम

नहीं ईवीएस नहीं, में पढ़ा हमने हाँ सिक्स टू एट में ईवीएस होती है उसमें जोग्राफी में पढ़ा था बेसिकली की वॉट इज पॉसिल फ्यूल पॉसिल फ्यूल टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स फ्रॉम यू नो टू बी क्रिएटेड आई एम प्रीशली वेन दी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट बरीड इन साइड दी अर्थ Uh, millions and millions of years ago they transform into fossil fuel oh damn i still remember this okay so i'm very happy that i remember this the definition of fossil fuel yeah so from the fossil fuels there are three basic categories of fuel which we get which i hope you guys know that number one is the petroleum जिसको हम कलेक्टिवली ऑयल कहते हैं पेट्रोलियम में आपको मिल जाता है पेट्रोल डीजल द मेजर थिंग्स देन यू आल्सो हैव केरोसिन यू आल्सो हैव गैसोलीन यू आल्सो हैव कोक द नेचुरल फॉर्म इट कुड बी एनीथिंग ठीक है देन यू हैव गैस गैस नेचुरल गैस में से वी यूज प्रोड्यूस सी वी प्रोड्यूस यू नो कुकिंग गैस टली देन यू वॉन्ट दी कोल ऑल कोल का सबसे मेजर इस्तेमाल को पता है कि थर्मल पावर प्लांट में होता ही है और भी बहुत सारी जगहों पर एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है नाउ वॉट आर दिस एडवांटेज एडवांटेज वेरी लेस डिसट यू नो एडवांटेजेस नंबर वन सब जगह भाई सब जगह फॉसिल फ्यूल भरे पड़े थे ठीक है सो दे वेर अबेंडेंट एंड दे वेर एक्सेसिबल दे आर स्टिल राइट नाउ बिट बिट लेकिन ज्यादा दिनों तक तो नहीं इफ वी गो ऑन कीप यूजिंग दी द सेम रेट विच वी आर यूजिंग राइट नाउ घंटा कुछ बचेगा हमारे लिए हमारे लिए तो बच जाएगा हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचना ही नहीं चाहिए ठीक है देख लेना इस बात को देन इट्स ऑब्वियसली सिंस इट्स अबेंडेंटली अवेलेबल एवरीवेयर उसका दाम भी कम होता है जो चीज अवेलेबल होती है सबके सबके लिए उसका दाम हमेशा कम होता है इस बात को याद रखना गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल दैट्स व्हाई इट इज इज कॉस्टली डायमंड अ प्रीशियस सब्सटेंस हेंस इट्स प्राइस प्लैटिनम यूरेनियम इज कॉस्टली बिकॉज नॉट फॉर्म समझ में बात दैट्स व्हाई इट इज कॉस्टली सो द कॉस्ट ऑफ एवरी फ्यूल और एवरी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स अवेलेबिलिटी जो अनोखा है वो कॉस्टली हो गई है ना ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं टू दी डिसएडवांटेजेस व्हिच आई नो नीड टू टेल यू गाइस बिकॉज व बीन स्टडिंग द डिसडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम सर एयर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन वॉटर पोल्यूशन ये वो अन्नदाता है जो सारे पोल्यूशन क्रिएट करता है इट ऑल्सो गिवस यू एसिड रेन्स वेन बिकॉज वेन दॉसिल फ्यूल्स बन लॉर्ट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सल्फर रिलीज टू दी एटमोस्फियर विच कॉस एसड्रेन दट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सी बी सी टेंथ देन इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दी ग्रीन हाउस एफेक्ट पनिंग ड्यू टू दी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज ठीक है देन अनसस्टेनेबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ये रिन्यू नहीं हो सकते तो अभी जितना यूज करना कर लो बाद में नहीं मिलने वाला है आपको देन ड्रिलिंग ऑफ फॉर फॉसल फ्यूज इज ऑल्सो डेंजरस प्रोसेस ड्रिलिंग मतलब टू अपटेन दी फॉसिल फ्यूज समटाइम्स वी हे टू ड्रिल अंडर नीत दी ग्राउंड माई डिप्लीट द्राउंड वॉटर दैट समटाइम्स माई डिप्लीट दी ग्राउंड फर्टिलिटी एज ठीक है मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू दस्ट पार्ट

इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले साल का पेपर रिवाइज कर लो क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे ना टॉपिक्स विच द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम दो मार्क्स की क्वेश्चन कैटेगरी नहीं इसका मतलब ये नहीं कि दो मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको आएगा जरूर आएगा मेरे दो मार्क और तीन मार्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे अब आगे बढ़ते हैं ठीक है द नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स चलो डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इसको ठीक है इट्स इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग The ultimate logic, ultimate purpose of a power plant is to rotate the turbine. Turbine घूमर generator घूमर electricity produced. ठीक है तो बेसिकली say is से turbine rotates like दीपिका पादुकोण मैडम जनरेटर ऑल्सो रोटेट्स like दीपिका पादुकोण मैडम एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड यू you नो know अबाउट घूमर ना घूमर साउन तो सुना ही होगा आपने कोल इज यूटीलाइज फ्रॉम द कोल माइन्स इन दर्मोपावर प्लांट्स टू बॉइल दॉटर हाउ यू बर्न द कोल हीट वुड बी प्रोड्यूस्ड एंड दैट हीट इज एक्चुअली यूटिलाइज टू कन्वर्ट दॉटर इन टू स्टीम दैट स्टीम इज देन पास ट्रू द टर्बाइन And when the steam starts rotating the turbine, the turbine is connected to the armature coil of the generator, and the armature coil is uh, rotating. And you know when the armature coil starts rotating inside a generator, electricity is generated. The magnetic effect, you know very well, right? So then the uh, electricity, then the electricity is obviously produced. I hope you guys got this. point. it's a very easy topic to understand. some power plants, have done many And since you know generator already, this is again a very easy topic. Now, what do you need to write down the examination? The same thing what I said. The number first point How does a thermal power plant work? If this question comes in, number one Coal is burned inside the furnace to boil water. Point number two boil water now converts into steam, which is then passed to the turbine. Number three The turbine rotates along with the armature coil of the generator. Fourth, due to this rotation, electricity is produced. Khatam, four points.

Kabi that becomes 5 marks, but mostly it's 3 marks. So for this 3 marks question, it could be either the explanation of a power plant or it could be the disadvantages. Okay? Remember that. I hope you guys got this point. Moving on to the pros and cons of thermal power plant. It remains same. Everything which uses fossil fuels, the pros and cons almost remains the same. The pros of thermal power plant is it's less initial cost. To set up a thermal power plant, it is not that costly. Anyone can Okay? Then huge amount of power can be generated. एंड ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज लेस क्योंकि अगर उसका अप करना ही कम uh, कम रेट का कम एक्सपेंसिव होता है तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो प्रिटीलेस लेकिन वंस यू बिल्ड अपर प्लांट दी मेंटेनेंस कॉस्ट इज प्रिटी हाई यानी कि उस चीज को मेनटेन करते जाना उस पूरे पावर प्लांट को मेन्टेन करना प्रोडक्शन करना वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है ठीक है देन ऑब्वियसली इट क्रिएट्स पोल्यूशन यू नो इट क्रिएट्स लैंड पोल्यूशन एज वेल एज एयर पोल्यूशन इन लॉट ऑफ गेस इज ऑल्सो प्रोड्यूस वॉटर पोल्यूशन देन यू हैव लैंड रिक्वायरमेंट इज मोर फॉर स्टोरेज ऑफ कोल एंड एश आपका जो कोल है जिस विच इज नेसेसरी फॉर दर्मोपावर प्लांट दी स्टोरेज ऑफ दैट कोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ दैट बिकम्स अ डिस सो वॉट डू वी डू मोस्टली इज वी ट्राई टू बिल्ड अप दर्मोपावर प्लांट्स नियर अ कोल माइन इट सेल्फ ताकि हमें कोल को स्टोर करने की जगह जरूरत नहीं होती है सीधा कोल यू नो माइन से सीधा थर्मल पावर प्लांट में जाता है सो so वी ठीक है थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड नियर कोल माइन बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल बिकम्स वेरी इजी ठीक है देर कुड बी क्वेश्चन दैट इज वाई आर दर्मल पावर प्लांट लोकेटेड नियर वॉटर बॉडीज बिकॉज वॉटर इज यूज एस अलेंट

पहले हम थर्मल हो गया हमारा अभी हम करते हैं हाइड्रो एवरी वन वेरी केयरफुल हाइड्रो काफी ईजी है और अगर आपको थर्मल समझ में आ गया है देन आप ये भी इजीली समझ सकते हो मैंने आपको हर बार बताया है दी पर्पज ऑफ एवरी पावर प्लांट ऑलमोस्ट एवरी पावर प्लांट इज टू रोटेट द टर्बाइन थर्मल पावर प्लांट में स्टीम वोटेट दी टर्बाइन नाउ गैस इन द हाइड्रो पावर प्लांट वॉट विल रोटेट द टर्बाइन वॉटर दैट्स ऑल पानी घुमाएगा है कि नहीं कैसे घुमाएगा ओके देन यू हैव डैम है From the dam at a from a particular height, the water is released. Why, sir, from a particular height, not from bottom? Because higher the water is released, higher the place from the water is released, more will be the potential energy of the water. Which will convert into kinetic energy. You know that. So that high potential energy water starts flowing. Now that potentially starts converting into kinetic energy. With that very high kinetic energy, वॉटर फ्लोज इन टू द टर्बाइन और जैसे टर्बाइन को हिट करता है पानी टर्बाइन हो जाता है अगेन घूमर 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 समझ दे टर्बाइन रोटेट दर्मेचर कॉल इन दिनरेटर जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड देन द स्टोरेज मीन द सेम ठीक दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ अ हाइड्रो पॉवर प्लांट वेरी 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 इजी दिस्ट क्वेश्चन also has come in the cbc 10th examination for two marks if it comes with the advantages and disadvantages that would be for three marks yeah. what are the pros obviously uh, there is no environmental pollution when it comes to uh, you know a hydro power plant <coughs> in terms of production of electricity there is an environmental pollution which i'll tell you right now but in terms of production of electricity as compared to all the other power plants hydroelectricity may पल्यूशन नहीं होता यानी कि एयर पोल्यूशन ऐसे नहीं होती है वाटर पोल्यूशन नहीं होता है लैंड पोल्यूशन नहीं होती है पोल्यूशन नहीं होता देन फ्लोटिंग वाटर इज गुड सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्वियसली बारिश गिरती रहेगी ग्राउंड वाटर भी होगा आपका डैम हमेशा बरते रहेगा तो इट हैज बीन प्रूवन एज अ सस्टेनेबल सोर्स लेकिन रिन्यूएबल एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन इन टाइम आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट क्योंकि बहुत सारे डैम्स अभी भी सूख रहे है, है ना so this has not been a complete renewable source this is what we thought 20 uh, years back but right now we are not able to stamp on it correct construction of dam provides flooding of rivers that's absolutely true construction of dam also uh, rejuvenates the rivers every single time When b river ho ja, ko lag jata hai, we, what do we do we open the dams up so that the water can flow through the river and it can also be used for irrigation purposes it's definitely a reliable and safe source of energy 20 years back right now i'm not commenting on it but obviously in the examination you need to write down this okay. then comes the cons part the moment you see the first point you will understand it destroys the ecosystem how because dams are built on a river river basin has marine life not marine life aquatic life no, marine life it has aquatic life isn't it there are a lot of uh, you know uh, organisms living inside that river there are people who live besides the river there are a lot of flora and fauna you know there correct so when you build up a dam you actually block the flow of river and the river water starts getting stored behind the dam and when it starts getting stored it obviously affects the aquatic life एंड इट स्टार्ट सबर्जिंग द लैंड नियर दबसे पहले वो पूरा का पूरा फ्लोरा तो गया पानी में डूब गया क्योंकि अब उसको मूव नहीं कर सकते हो जो लोग रहते थे दे हैड टू बी रिहेबिलिटेटेड समवेयर एल्स दैट इज ऑल्सो लॉर्ड ऑफ ह्यूमन एफर्ट मनी करेक्ट एड दॉड नोस वॉट हैपन्स टू दैट दी एनिमल्स वी हैव नो आइडिया वॉट हैपन टैट डिज इन इट दैट दी पॉइंट Now the second thing is, which I told you, ki, there is a sort of pollution which being caused here. What is that pollution? Is the plants which are now submerged inside this water, they start releasing, due to anaerobic respiration, they start getting decomposed, and when they start getting decomposed in the presence of anaerobic respiration, methane is released, and that methane, when it released into the atmosphere, acts like, like a greenhouse gas, which causes global warming. Thaken? that's the point this is what i wanted to do, you know tell you guys and obviously the construction of a dam is expensive it affects the droughts limited reservoirs not everywhere the dams could be created japan dam one so throughout the world uh, you know hydroelectricity hydro might not be a very convenient source मूविंग हेड राइट नाउ गाइस इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन विच वन ऑफ द फोईंग फूल इज यूज टू ड्राइव टर्बाइन इन अ थर्मल पावर प्लांट यूरेनियम कोल सन और हाइड्रोजन वॉट डू एस थिंक है वो डू गिंग इट इस वेरी इजी क्वेश्चन विच वन ऑफ दी फोइइंग इज यूज टू ड्राइव टर्बाइन इन द केस ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट इज एनियम कोल सन हाइड्रोजन मतलब कुछ भी सन सी डर में क्वेश्चन बच्चों तो वॉट यू गैस थिंक सन का इस्तेमाल होता है टर्बाइन को घुमाने के लिए नहीं सर क्या कह रहे हो आप कोल का इस्तेमाल होता है सर कोल का इस्तेमाल होता है इट इज फ्यूल विच इज यूज इन द केस ऑफ थर्मो पावर प्लांट नॉट सन नॉट हाइड्रोजन ऑल्सो नीदर यूरेनियम आई होप एवरी करेक्ट आंसर ऑन दी चार्ट चार्टियर कोई बच्चा है जिसने सन बोला है और किसी ने भी सन बोला है तो सातनाथ प्रणाम ठीक है अब आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं वन मोर क्वेश्चन द डिसडवांटेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स

गुड जॉब जॉबेज वेरी वेल डन एक बात जो तालिया आप लोगों के लिए आई एम सुपर डुपर हैप्पी दैट ऑल डूइंग डूपर है बहुत बढ़िया अमेजिंग ओके अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नाउ कम्स सी पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी में देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन वॉट इज न्यूक्लियर फ्यूजन वेन टू वेन आर हेवियर न्यूक्लियर लेट्स डू दिस When a... ये क्या हुआ आजा 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 फिजिक्स okay. से ज्यादा डिफिकल्ट लगता है आ आजा भाई फिजिक्स <laughs> से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है मेरे को ठीक है प्यार पढ़ रहे थे न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है बच्चों फिशन मींस स्प्लिटिंग फिशन टिंग है ना तो अ वेरी हेवीआ न्यूक्लिया स्प्लिट्स इंटू टू छोटू छोटू न्यूक्लिया विद द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स बट वॉट इज यू नो मीनिंग फॉर यू इज एनर्जी

फ्यूजन और ये भी जब होता है तब भी आपकी एनर्जी होती है रिलीज तब भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट अगेन इज यूट टू बॉइल दॉटर वाटर कन्वर्ट इन टू स्टीम रोटेट दी टर्बाइन ठीक है समझ में आ गया बच्चों को हा बेटा है ना लुक इंट दिनारियो दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर चेंबर उसके अंदर होता है रिएक्टर वेसल इस रिएक्टर वेसल के अंदर क्या होती है बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन होती है मेजरलीटीज न्यूक्लियर फ्यूजन बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूजन इज बेटर कंट्रोलेबल कंट्रोल करना ईजी होता है न्यूक्लियर फ्यूजन को तो न्यूक्लियर फ्यूजन में के थ्रू जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट हीट इज ट्रांसफर्ड टू अ स्टीम जनरेटर जिसमें होता है पानी ठीक है जिसमें होता है पानी ओके आई होप यू गैस हर्ड दैट हाँ, ओके गूगल ऑन हो गया था सॉरी क्या बात है गूगल आजकल काफी तेज है कमिंग बैक टू द पॉइंट गाइस कमिंग बैक टू द पॉइंट ओके सो व्हाट हैपेंस उम्मीद गूगल ऑन नहीं हो रहा दोबारा ओके कूल सो द हीट जनरेटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर इज कंटीन्यूअसली सर्कुलेटेड थ्रू द रिएक्टर वेसल है ना इस पाइप के थ्रू वाटर इज कंटिन्यूसली रिएक्टर वेसल तो वो जो पानी है वो कंटिन्यूसली हीट अब्सॉर्ब करते जाता है फ्रॉम द रिएक्टर वेसल एंड दैट वाटर नाउ कन्वर्ट्स इनटू स्टीम दैट स्टीम इज नाउ ट्रांसफर टू द द टरबाइन टरबाइन रोटेट्स दैट रोटेट्स द जनरेटर जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बट नाउ प्लीज केयरफुली लुक इनटू दिस द स्टीम व्हिच इज जनरेटेड डस नॉट गो एनीवेयर वेस्ट द स्टीम व्हिच इज जनरेटेड इज नाट ट्रांसफर टू अ यू नो चेंबर कॉल्ड एज द कंडेंसर और एज द नेम सजेस्ट व्हाट डस द कंडेंसर विल बी डूइंग कंडेंस

Yes. That's the reason why nuclear power plants are located always near oceans. That's a very much necessary. Nuclear reactors are always placed near oceans so that we can always provide continuous you know, supply of water. Okay. Cool bacho. Now, what are the pros and cons of nuclear energy? Let's look into that again. So the production of large amount of energy from a small amount of nuclear fuel. Yes, nuclear fuel almost have the one of the highest uh, sort of calorific value. सबसे ज्यादा कैलोफ्रिक वाली है हाइड्रोजन की वो हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूल तो होता नहीं है हाइड्रोजन ए सेपरेट सोर्स ऑफ फ्यूल तो वो सबसे ज्यादा उसका कैलोट्रिक वैल्यू होता है उससे थोड़ा नीचे होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूल का करेक्ट तो न्यूक्लियर फ्यूल हैज वन ऑफ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ कैलोट्रिक वैल्यू विच गिवस यू लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कम्स इट डस नॉट प्रोड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन एनी सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन इट डस नॉट प्रोड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एट ऑल वॉटर पोल्यूशन यस लैंड पोल्यूशन यस कैसे बिकॉज ऑफ रेडिएशन कैसे रेडिएशन होता है सर ओके यू हैव यूटिलाइज फ्यूल नाउ देर विल बी ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ वेस्ट फ्रॉम द फ्यूल है ना एंड दिस फ्यूल इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ कोल और पेट्रोल जो कुछ करता नहीं है लेकिन ये जो फ्यूल है वो है रेडियो एक्टिव है ना यूरेनियम इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज द फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए आपको एक रेडियो एक्टिव मेटल की जरूरत होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जरूरत होती है यूनीट रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज स्टिल नाउ प्रेजेंट इन दैट वेस्ट एंड यू कैन नॉट जस्ट गो एंड पुट दिस न्यूक्लियर वेस्ट इन टू अ डस्टबिन यू कैनॉट डू दैट बिकॉज रेडिएशन स्कीप ऑन कमिंग आउट ऑफ दैट

अगर वो ब्रेक हो जाए तो इट विल डिप्लीट दी एंटायर ग्राउंड देयर इट विल डिप्लीट दी एंटायर ग्राउंड वाटर नो प्लांट और नो ऑर्गेनिज्म विल बी ग्रोइंग इन दैट सॉइल एवर अगेन यू अंडरस्टैंड दैट यस इवन इफ यू लुक इन टू दिरोशी मैन नागसा यू नो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई अभी भी उस रेडिएशन का इफेक्ट है वहां पर राइट इन एवरी न्यू बॉर्न बेबी इन एवरी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इफेक्ट इज स्टिल रिमेंबर दैट ओके Then obviously the cost of installation is very high and then limited availability of nuclear fuel. Nuclear fuel is not available everywhere, that's why it is very costly, isn't it? Okay. So, now, I have the next question. To keep the chain reaction under control in the nuclear reactor, one uses control rods, reactor core, coolant, and moderator. So, this is uh, sort of out of syllabus for you. It's not there in your syllabus, but this is uh, somewhere in that yellow box in your NCRT. So, we thought let's take it in because uh, this question is there in your NCRT. It's simpler. And I don't want to leave any chances for you to, uh, you know, lose marks in this question. So, in the case, uh, you can see it from the name itself. It's called as control rods. Okay. Control rods are the, uh, एलिमेंट्स इन साइड द रियक्टर वेसल विच कंट्रोल दी रिएक्शन विच को बी न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन ठीक है रिम्बर दैट ओके बच्चो तो यहां से हमारा हुआ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म गॉड यार ज्यादा लंबा नहीं हो गया ओ माई गॉड ओके कितना टाइम हो गया भाई टाइम हो गया अभी थर्टी मिनट्स तो ऑलरेडी हो गया सर mm -hmm. mm -hmm. क्या sir? YouTube YouTube कर रहे हो सर यूट्यूब है यूट्यूब एक्सरसाइज कर रहे हो आप हाँ बच्चो करना पड़ता है <laughs> उमर हो गई <गया> है आई होप ट ना येजॉइंग दि सेशन इन हाफ एन अर वीवलीटेड दिस पर्टिकुलर पार्ट आएम बिडिश और इन दी नेक्स्ट ट्वेंटी मिनट्स विल भी कम्प्लीटिंग दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दार्ट ऑल्स बिकॉज नेक्स्ट पार्ट इज नॉट मच इट्स नॉट कन्वेंशनल वी हैव टू गो फॉरवर्ड फॉर सोलर वी हैव टू गो फॉर एनर्ज फ्राम दी सी ओशन थर्मल एंड यू नो बायोग पैट आई जियो थर्मल इज ऑल्सो दे

ग्रेड्स के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है तो इफ यू हैस एंड वाई टी माइक्रो इज इन कैपिटल केस इन केट ठीक है बहुत बच्चे बोल रहे थे सर आपका लिंक काम नहीं कराता बिकॉज ये प्रॉब्लम है ठीक है तो बी डी एन टी डॉट इन स्लेश माइक्रो गो ऑन टू दिस पर्टिकुलर लिंक Put it down right now in a new tab on your Google Chrome. You can go to this link, check out all the micro and you can get any two micro courses at just rupees 11. And every micro course has the entire explanation of the chapter. It has the summary, key formulas, and concepts. It has the most important questions from board examinations. The strategies to write down the board examination. Uh, it has unlimited quizzes as well. So go ahead and find it out. Take care. Not unlimited quizzes.

रीजन वाई दंफ्यूजन अराइजिस की सर नॉन सोर्सेस आर मोस्टली रिन्यूएबल सर दैट्स बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स सोर्सेस ना इसलिए नॉन नॉन आर रिन्यूएबल अभी नॉन कन्वेल नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है अगर हम बाद में पता कर लें कि ऐसा कोई सोर्स है जो नॉन रिन्यबल है और उसको हम यूटिलाईज करना स्टार्ट कर दें तो वो बन जाएगा नॉन कन्वेन्शनल सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है

If I am pretty sure if you don't know, we receive 50% of the solar energy on Earth surface. If 100% of energy of sun is coming, 50% is reflected back by the atmosphere and 50% of the sunlight reaches the earth.

करेक्ट बिकॉज ऑफ दी लॉर्ड ऑफ वी हैव इमेजिन यहां वहां यहां वहां कुछ कुछ सोलर पैनल हमने रखे हैं जो शायद मेरे ख्याल से जीरो पॉइंट जीरो इमेजिन इफ दे कैन प्रोड्यूस सच हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड चेंज द वे पीपल आर लिविंग जस्ट इमेजिन अ पॉइंट वेन वी विल बी एबल टू यूटिलाईजी नाइन परसेंट एव सोलर एनर्जी

वॉट इज दोलर कॉन्स्टेंट लेट्स इमेजिन गाइस तो डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लेना लेकिन मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है सोलर कॉन्स्टेंट क्या होती है सन फ्रॉम दी सन दोलार एनर्जी इज फॉलिंग द सोलार द लाइट रेस आर फॉलिंग ऑन दी अर्थ बिफोर इट फॉल्स ऑन द अर्थ सर्फेस इट हैज टू पास दर्थ एटमोस्फियर है ना तो लेट्स दफ सनलाइट और दफ सोलार रेडिएशन फॉलिंग ऑन दी अर्थ एटमोस्फियर पर पेंडिकुलर इज कॉल्ड अ सोलर कॉन्स्टेंट या तो मैं थोड़ा डिप्लेक्स को ध्यान से देखो द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन फॉलिंग ऑन टू दर्थ एटमोस्फियर पर यूनिट एरिया नॉट दिस नॉट दिस एंटायर सरफेस Only onto the surface and here we calculate the amount of radiations falling per unit area per unit area. Okay. again I am repeating the amount of solar radiations falling on the earth's surface per unit area perpendicular perpendicular to it is called as solar constant.

It's a very very easy explanation for solar cooker. Solar cooker is the uh, you know equipment or the uh, device which we use to cook food with the help of solar energy. It basically has a lid which is made up of a mirror. It, that lid could be made up of concave mirror or a plane mirror. And uh, at the focus of this plane mirror or the concave mirror, you would be having uh, the uh, food which you which you need to be cooked and uh, the reason why we have it at the focus of the concave mirror is because concave mir mirror converges all the light ray at the focus if they are parallel to the uh, concave mirror so every light ray is getting focused here for a plane mirror the focus is at infinity so obviously you cannot keep it uh, the uh, cooking for the food to be cooked at infinity so what you do is basically just keep the mirror there and all the light rays get reflected to the point where the food is kept now that's the reason why a concave mirror is preferred for a solar cooker because it can converge all the light falling on, the, uh, uh, on it to the focus in the case of plane mirror it cannot only the light ray falling at a particular angle could be reflected onto the uh, you know cook, uh, food to be cooked remember that now the food uh, which is supposed to be cooked it is kept inside a glass chamber why a glass chamber because glass is a very bad conductor of heat it does not allow the heat inside the chamber to go out creating a greenhouse effect inside the solar cooker itself and the entire solar cooker is painted black so that it can absorb most of the amount of the heat okay so this is what a solar cooker is and this is how the solar cooker works moving ahead right now Now that was the कन्वर्शन the दी uh, solar energy into heat. The same purpose is done by the water heaters also. ठीक है Moving on forward for the case of solar panels. Solar panel कैसे काम करता है भाई solar panel का detail में समझाया हुआ है प्री बोर्ड uh, uh, जब मैंने किया था तो उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ आपको सोलर पैनल कैसे काम करता है मैं आपको इन्हें वेरी सिंपल तरीके बता देता हूँ वेन दी लाइट रेस radiations रेडिएशन फॉल ऑन solar पैनल Solar पैनल विच हैज Semiconductors converts this heat energy from the solar radiations to electricity. It How does solar panel work? Solar panel is made up of semiconductors like silicon. सिसिकॉन आर वेन कंबाइंड टूगेदर इन अ वेरी स्मॉल स्क्वायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस ए सोलार सेल वेन सोलर सेल्स आर कंबाइंड टूगेदर दे फॉर्म सोलर पैनल एंड दिस सोलर सेल्सारेनल कन्वर्ट दोलार एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिसिटी बस इतना लिखना होता है ठीक है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज बीन यूटीलाइज आई होप इकॉज गॉड डी पॉइंट अब आगे बढ़ते हैं टू दी प्रोज एंड कॉन्स वी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग अनल प्रो इज ऑब्वियसली डाइवर्स एप्लीकेशन यू कैन यूज इट एनी वेर यू वॉन्टेड वेर एवर सनलाइट इज अवेलेबल and it is renewable source of energy because sun, to bhai pe. sun has been there for almost 5 billion years it will be there for, for another 5 billion years for sure then reduces electricity bill obviously and low maintenance cost the maintenance cost of solar panels are very very less but the initial cost is pretty high initial cost of solar panels is pretty high

Moving forward to the next part, which is the energy from the sea, where you have tidal energy, wave energy, and ocean thermal energy. The most important one of them is ocean thermal energy itself. Moving forward for tidal energy. Tidal energy में क्या होता है बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात है जब high tide होती है पानी सी शोर की तरफ आता है जब low tide होती है पानी सी शोर से पीछे जाता है अब मैंने क्या कर दिया In between I put a turbine. In between I put a turbine. So during high tide

ठीक है नाउ कम्स टू वेव एनर्जी वेव एनर्जी भी ऐसा ही कुछ है लेकिन बच्चों द वर्किंग ऑफ टाइडल एनर्जी पॉर प्लांट एंड दर्किंग ऑफ वेव एनर्जी पॉर प्लांट डिस नॉट कम इन योर एग्जामिनेशन वॉट कम्स इज की कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सी है तो आपको बता दें कि टैडल एनर्जी है वेव एनर्जी ओशन थर्म एनर्जी ठीक है वेव एनर्जी क्या होती है वेव एनर्जी द सेम द वेव्स आर कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द विंड अबोव दी द विंड विंडशेज दॉटर एंड दैट कॉजेज वेव्स

हाथ से यू नो डिड दिस मोशन वॉट द एंटायर एयर हियर मूव दिस वे इमेजिन करना कि अगर यहां पे टरबाइन होता तो मेरे ये हाथ की मूवमेंट की वजह से ये हवा जो जा रही है उसको घुमा देता है कि नहीं यू कैन इमेजिन दिस बाई प्लेस कैंडल हियर कैंडल को जलाओ यहां रखो मैं हाथ से ऐसा करूंगा वो बुझ जाएगा क्योंकि हवा वहां पे मूव हुई तो वैसे ही इमेजिन करो इफ अ वेव इज कमिंग इन विद अ वेरी हाई कैरिटी एनर्जी इट कम्स एंड हिट्स द एयर हियर

मेजर पावर प्लांट की तरह जिसको हम कहते हैं ओशियन थर्मल पावर प्लांट अब ओशियन थर्मल पावर प्लांट के बच्चों मैं समझाता हूं इन सेमी डिटेल डिटेल मैंने पढ़ाया ऑलरेडी बता देता हूं इसको आपको सो ओशन थर्मल पावर प्लांट के मेजरली चार पार्ट होते हैं एवॉपरेटर टर्बाइन कंडेंसर तीन पार्ट होते हैं एवॉपरेटर टर्बाइन कंडेंसर हट चार पार्ट होते हैं बच्चों एवोपरेटर टर्बाइन जनरेटर गया जनरेटर खोल के आप लोग जनरेटर एंड कंडेंसर ठीक है सो so क्या क्या यू है उसका नाम एव है उसका नाम भी तो क्या करेगा वो एव करेगा किसको एवोपरेट करेगा एवोपरेटर एव करेगा अमोनिया को बताता हूं क्यों ठीक है ध्यान से देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात अबाउट ओशन थर्मल पावर प्लांट और सबसे अमेजिंग बात ओशन थर्मल पावर प्लांट कोई भी सपरेट सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करता ही नहीं है जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोल होती है हाइड्रो पावर प्लांट में पानी होती है विंड एनर्जी में विंड होता है है कि नहीं लेकिन ओशियन थर्मल पावर प्लांट में ऐसा कोई सोर्स होता ही नहीं है ओशन थर्मल पावर प्लांट बस एक चीज का इस्तेमाल करता है उसका नाम है टेम्परेचर डिफरेंस कहां का किसके बीच का सिंपल इमेजिन ऑब्वियसली एट दर्फेस ऑफ दॉटर सरफेस ऑफ इज टू सन वुड बी एट अ समवेयर अबाउट डिग्री सेल्सियस जो एक्सपोज तो एक है लेकिन अगर मैं जाऊं दो किलोमीटर नीचे अगर मैं दो किलोमीटर नीचे जाऊं तो यहां पे टेम्परेचर ऑब्वियसली थर्टी नहीं होगा थर्टी से कम होगा क्योंकि जितना नीचे जाते रहोगे पानी ठंडा होता जाता है करेक्ट तो यहां पे जाके हो जाएगा आप टेम्परेचर मान लो पंद्रह पंद्रह से दस डिग्री सेल्सियस ठीक है अब मेरा थर्मल पावर प्लांट क्या करता है ये जो पानी है ऊपर एट डी सरफेस द वार्म वाटर विच इज एट डी सरफेस यहां ट्वेंटी फाइव लिया थर्टी ठीक है वो पानी पंप करता है आपके एवोपरेटर में वो पानी पंप करता है आपके एवोपरेटर में अब आपके एवोपरेटर में।, में क्या है अमोनिया जो एवोपरेट होगा कैसे अमोनिया इज वेरी वॉलोटाइल इट कैन एवोपरेट इट कैन कन्वर्ट इंटू स्टीम और इट कैन मेल्ट डॉन स्टीम टू वॉटरचर तो इवन एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस अमोनिया कन्वर्ट्स इंटूटीम तो अमोनिया बन गया स्टीम अभी एंड दैट स्टीम पास टू दी टर्बाइन टर्बाइन घूमा टर्बाइन से जनरेटर घूमा जनरेटर प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिसिटी ये जो स्टीम बना हुआ है अमोनिया का उसको मैं वेस्ट जाने नहीं दे रहा हूं आई पास दिस अमोनिया बैक इन टू पार्ट ऑफ दॉर प्लांट विच इज दर अब इस कंडेंसर का काम क्या है ठंडा करना स्टीम को कैसे करेगा वो यहां पे आई विल ट्रांसफर और आई विल पंप दॉटर फ्रॉम टू किलोमीटर डाउन इन टू कंडेंसर जो पानी ठंडा है कितने डिग्री पे है पंद्रह या दस पे दस से पंद्रह का एवरेज होना चाहिए ठीक है वो टेम्परेचर से जो पानी यहां से कंडे पास होगी ये पानी उस अमोनिया के स्टीम जो है उसे हीट अब्सॉर्ब करेगा विल कंडेंस स्टीम ऑफ अमोनिया बैक टू वॉट बैक टू टू बी सो दैट इज ओशियन थर्मल पावर प्लांट तो यहां पे सबसे बेसिक बात क्या थी ओशियन थर्मल पावर प्लांट वर्क्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द दिन एंड व्हाट इज द आइडियल टेपरेचर डिफरेंस द आइडियल टेम्परेचर डिफरेंस इज 20 डिग्री सेल्सियस ये है उसका आइडियल टेम्परेचर डिफरेंस थर्टी से दस का तो होना चाहिए तब हो अच्छे से काम करेगा ठीक है बच्चों तो आई जस्ट वाइंड अ बिट डीपर हियर फॉर फंक्शनिंग ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट ऑफ एडवांटेजेस फॉर ऑल द एनर्जी फ्रॉम दी इज इट्स ऑब्वियसली रिनीबल क्योंकि सी तो हमेशा रहेगी वहां पे एनवायरमेंट uh, फ्रेंडली है अबेंडेंट है पानी तो हर जगह एंड वाइल्डली अवेलेबल वराइटी ऑफ वेस्ट टू हार्नेस आप टाइडल एनर्जी भी है वे एनर्जी भी ओशन थर्मल भी है आगे जाके आप कुछ और भी निकालोगे है ना द कॉन्स आर वेरी ऑब्वियसली वी के नॉट पुट टाइडल एनर्जी पावर प्लांट वेव एनर्जी पावर प्लांट ओशन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट एवरी वी के नॉट डू दैट ओशन थर्मल के लिए बहुत डीप में जाना होता है ओशंस के तभी तो दो किलोमीटर डिफरेंस मिलेगा ना वरना दो किलोमीटर तक नीचे आपको लगता है कि हर जगह पानी पानी होगा नहीं जरूरी नहीं होता राइट एग्जैक्टली इफेक्ट ऑन मेरीन एक्स येस देर माइट बी एन इफेक्ट इन दी मेरी सिस्टम वीक परफॉर्मेंस इन रफ वेदर हैपेंस पाइपलाइंस पंप्स इफेक्ट हो जाती है नॉइस एंड विजुअल पोल्यूशन विजुअल पोल्यूशन आई डोंट केयर नॉइज पोल्यूशन आई डोंट केयर ओके टुडे विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स प्रोवाइड्स इंडिया विद द मोस्ट एनर्जी विंड सोलर जियोथर्मा हाइड्रोपावर इन चार ऑप्शन में से इंडिया को सबसे ज्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किस फॉर्म से मिलती है विंड से मिलती है सोलर से मिलती है जियोथर्मल से हाइड्रोपावर से ऑब्वियसली आंसर इज हाइड्रोपावर हमारे कंट्री में इतने ज्यादा डैम्स है अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा मिलती है ठीक है मूविंग एड गाइस कमिंग डाउन टू विंड एनर्जी विंड एनर्जी आई एम नथिंग टू से अबाउट

अब इस ब्लेड को कौन रोटेट कर रहा है हवा इसलिए हम उसको कहते हैं विंड एनर्जी राइट दैट्स ऑल दैट्स ऑल वी हैव टू रिमेंबर सो द मोमेंट ऑफ द विंड रोटेट्स द टरबाइन व्हिच रोटेट्स द जनरेटर व्हिच रोटेट्स द इलेक्ट्रिसिटी द ओनली थिंग इज टू रोटेट दिस टरबाइन एंड टू प्रोड्यूस अ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द स्पीड ऑफ द यू नो वन सेकंड द स्पीड ऑफ द विंड शुड बी एटलीस्ट

ऐसा दुनिया में हर जगह नहीं होगा जहां पे पंद्रह किलोमीटर पर आर की स्पीड से हवा चल रही हो और चल भी रही होगी तो हमेशा नहीं चलेगी है कि नहीं वेरी इंपॉर्टेंट बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड बिकॉज दे आर द सेटिंग अप ऑफ विन टर्म प्लांट्स आर वेरी वेरी कॉस्टली एंड आउटपुट इज लेस एज कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट जितना आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो उतना भी ज्यादा नहीं होता है उसके बाद आती है आपकी इको फ्रेंडली येस इज डेफिनेटली इको फ्रेंडली इज नो पोल्यूशन नथिंग द डेफिनेथिंग सोर्स ऑफ रिन्यूब एनर्जी इट्स अ वेरी इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको मिलती है एनर्जी दैट अमाउंट इज लेस बट ऑब्वियसली मेंटेनेंस कॉस्ट है काफी कम होता है इन द केस ऑफ प्रोडक्शन ठीक है तो इसको मेंटेन करना ज्यादा नहीं पड़ता है लेकिन सेटिंग अप इज वेरी कॉस्टली ओके गाइस आई थिंक नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फाइनल टू पावर प्लांट टूडे कितना टाइम हो गया भाई फिफ्टी फाइव मिनट्स ओ माई गॉड पांच मिनट और है हो जाएगा पांच मिनट में तो जरूर हो जाएगा तो वी आर इन टू दी लास्ट थर्मल पावर प्लांट दैट इज जियो थर्मल पावर प्लांट बच्चो जियो थर्मल एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है थर्मल पावर प्लांट दी ओनली थिंग इज थर्मल पावर प्लांट में जो पानी उबलता है वो होता है कोल की वजह से लेकिन द केस ऑफ जियो थर्मल एनर्जी दी स्टीम इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन अवर अर्थ

सोच रहे हो कि कौन क्या होंगे ऑब्वियसली सर आपको हर जगह थोड़ी मिलेगा हॉट स्प्रिंग्स और हॉटस्पॉट है ना एंड डीप ड्रिलिंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव दैट तो इज ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ दोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी है ना विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइड फ्रॉम दी सन सनजी जियोथर्मल विंड न्यूक्लियर बायोमास जियोथर्मल एनर्जी ऑब्वियसली प्रोड्यूस होती है सन की uh, 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 के थ्रू क्योंकि सन की वजह से आपका वाटर साइकिल चलता है बहुत ज्यादा विंड एनर्जी

एंड दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर तो उम्मीद है कि आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से यहां पर देख रहे हो एंड गिव मे अवैक हाई फायज दिस इज दी लास्ट बायो प्लानी गो लेट्स गो राइट नाउ ये ऑल दी बेस्ट अभिषेक सर अच्छे से पढ़ाना ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल दी बायोमासक दाउड इज मिक्स विद दॉटर एंड दैट इज कॉल्ड एस द स्लरी क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं स्लरी

स्लरी कम्स इन एंटर्स इन टू द डायस्टर अब डाइजेस्टर को डाइजेस्टर क्यों कहा जाता है क्योंकि वो डाइजेस्ट करता है चीजों को कैसे मतलब डीकंपोज करता है चीजों को जैसे हमारा जो पेट होता है वो डिकम्पोज करता है हमारे जो खाना हम खाते हैं हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइ सो वी आर है फूड बींग स्लरी तो कैसे डीकम्पोज करता है वो ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा इन दैक ऑफ ऑक्सीजन Anaerobic respiration. And whenever anaerobic respiration happens, the thing which comes out is basically methane. Right? So, this digester now converts the entire slurry, starts decomposing the slurry with the help of the microorganisms present in the slurry. They undergo anaerobic respiration and they digest the entire, decompose the entire slurry. And what do you get is basically methane. The amount of methane which you get from this uh, biogas plant is basically 75 percentage of methane. जो गैस इससे बनती है उसमें सेवेंटी फाइव परसेंटेज ऑफ मीथेन होता है बच्चों बहुत ज्यादा एंड दैट मच अमाउंट इज देन पास थ्रू गैस आउटलेट विच देन यूज टू कुक फूड इन योर हाउस वेरी इंपॉर्टेंटली नाउ द इज नॉट लेफ्ट आउट विच इज अ वेस्ट इज देन कलेक्टेड इन टू आउटलेट और आउटलेट से उसको निकाल के वी यूज इट फॉर इरिगेशन पर्पसेस फार्मिंग पर्पसेस बिकॉज दैट स्लरी नाउ इज वेरी 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 हाईली Contain nitrogen and phosphorus, one of the two of the most important nutrients essential for plants. So this slurry now acts as the natural manure for the natural fertilizer for the plants. Take it. So this is how the biogas plant works, guys. I hope all of you guys enjoyed it. I've explained the biogas plant in much more detail in the uh, sprintex video. Please go ahead and check it out. Take care. ओके सो दॉज आर प्रोज आर ऑब्वियसली इट इज कार्बन न्यूट्रल मतलब नो एयर पोल्यूशन एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लेस एक्सपेंसिव रिड्यूसेस ओवर रिलायंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉन्स वुड बी नॉट एज एफिशिएंट एज फॉसिल फ्यूल ऑब्वियसली इट इज नॉट एंटायरली क्लीन कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन बिकॉज जगह चाहिए ना प्लांट बनाने के लिए बायोमास प्लांट रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस यस अंडरनीथ द ग्राउंड तो थोड़ा काम है बनाना लेकिन बहुत अच्छा है आई थिंक इज द फाइनल क्वेश्चन टूडे When we use biomass to generate electricity, we convert dash energy logged in the biomass to electrical energy. So biomass converts what form of energy to what form, guys? Electrical energy, or to heat energy? But it is converted from what? It is converted from chemical, kinetic, nuclear, or muscular. <laughs> muscular is very interesting. Obviously, I hope all of you guys are giving the correct answer on the chat right now. And the answer to this question is chemical. Chemical energy is stored inside the biomass, which is then converted to electricity. Correct.

went through that one hour. Thank you so much for that. People who were there for the entire one hour, you guys are awesomely awesome. I truly know that, you know, this chapter is very very interesting. <laughs> <laughs> this chapter is superbly interesting guys, if in case you know how amazing power plants are and how amazing energy concept is. So guys, apart from that, I would like to tell all of you guys that it's awesome. I'm superbly proud of everyone and thank you so much for supporting the entire one-shot videos.

के अलावा बच्चो वी हैव लॉन्च दी टेस्ट सीरीज विच आई थिंक दिस इज दी लास्ट वीक फॉर दी टेस्ट सीरीज इफ इन केस यू हैव नॉट बीन अटेम्प्टिंग गोए एंडेड एवरी सिंगल डे टेन थर्टी ए एम इन द मॉर्निंग ऑन अवर कम्युनिटी पेज ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप वी आर प्रोवाइडिंग टेस्ट फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड एस एस टी बायोलॉजी ऑल्सो इफ इन केस यूर नॉट अटेंटिंग दैट गो एड एंडेड ठीक है उसके बाद ये वन वो फाइनल थिंग

Thanking you. Thank you so much. If in case you enjoyed this video, hit that like button. Also, share this video as much as possible. Subscribe to the channel if in case you love this video and if in case you want this kind of videos and other sort of videos motivation, inspiration, academic, non academic tips and tricks, strategies, everything. It's there already in the channel. Go ahead and check that out. ठीक है तो एंड एक और बात बहुत इंपॉर्टेंटली बतानी थी मुझे आपको कि बहुत बच्चे बोल रहे थे इसके नोटिफिकेशन नहीं आ रहे तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंटली हिट दैट बेल आइकन एंड इवन इन बेल आइकन ऑप्शन बी थ्री डिफरेंट ऑप्शन यू हैव टू चूज ऑल नोटिफिकेशंस ऑन देन ऑनलीट ऑलिफिकेशन फॉर ऑल दी से ठीक है तो इसी के साथ बच्चो बिल एंड टूडे सेशन थैंक यू सो मच यूस अमेजिंग टिल नाउ कीप रॉकिंग कीप लविंग दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ बाय बा